सासुमा रुक जाइए, सबसे पहले नहीं हम चढ़ाते हैं, आज आशीर्वाद की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है ना। आइए। बार बार नेक को हाथ ना लगाओ बड़ी बहू, गिर गयो सो गिर गयो, इको काना की मर्जी समझो। नकली राधिका अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में थी, कहीं इसी ने कोई शैतानी तो नहीं की? नहीं नहीं, मंदिर में शैतानी थोड़ी ना की जाती है, अब यहाँ तो पूजा की जाती है। तुम नेक रख दो छोटी बहू, तुम्हारा नेक काना अस्वीकार ना करेंगे। चलो अब जल्दी से छोटी बहू को आशीर्वाद दे दो मछली बहू, ताकि व्रत शुरू हो सके। नहीं राधिका, तुम ये व्रत नहीं रख सकती। रखना ही होगा दाई माँ, व्रत आस्था और विश्वास से रखे जाते हैं, और अगर मन में विश्वास अटूट हो तो व्रत संपन्न करने से कोई नहीं रोक सकता। छोटी बहू, ये तुम क्या कह रहे हो देव? मैं सही कह रहा हूँ दाई माँ, ना तो अभी तक राधिका ने बरखा से माफी मांगी है, ना ही बरखा ने उसे माफ किया है। मैंने राधिका से पहले ही सही कह दिया कि जब तक वो बरखा के प्रति अपनी सारी गलत फहमियां दूर नहीं कर लेती और बरखा उसे माफ नहीं कर लेती, तब तक मैं राधिका को अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दे सकता।
और ये करवा चौथ का व्रत पत्नी के अधिकारों में से ही एक है। तुम्हारे व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा राधिका, क्योंकि रात को जब चांद निकलेगा तो मैं तुम्हारा ये व्रत तोड़वा नहीं पाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम ये व्रत ना रखो। अगर एक सुहागनी व्रत ना रखेगी तो दाइमा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। पर लालन, ये एक राजपुरोहित का आदेश है। राधिका व्रत नहीं रख सकती, ये धर्म के खिलाफ। देव, देव सुनो तो, देव ऐसन एक पत्नी को व्रत रखने से कैसन रोक सके है? व्रत रखना राधिका का धर्म है। धर्म की ही तो बात है दाई माँ, जिसके कारण राधिका ये व्रत नहीं रख सकती। देव ने इसे पत्नी धर्म निभाने के अधिकारों से वंचित रखा। पर मछली बहू, दाई माँ बरखा रख रही है ना व्रत देव के लिए, आप चिंता मत कीजिए। हाय राम, बोलो भाई। राधिका तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पति के लिए कोई और व्रत रख रहा है। तुम्हारे पति को कुछ होगा भी नहीं और तुम्हें उपवास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाय राम, काश हमारे लिए भी ऐसा कोई कर पाता, पति के लिए कोई और व्रत रखता और हम भी कुछ खा पाते। तुम पागल हो मोहिनी, कुछ भी बिना सोचे समझे बोलती हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति की जिंदगी में भी कोई दूसरी औरत हो? जी जी, या क्या कह रही है? बरखा कोई दूसरी औरत नहीं, राजपुरोहितायन है, देव की पत्नी यही है। पता है एक सुहागन को ऐसा बोलना गलत है, पर देव आप ही बोला है तो। और बिटिया, जो व्रत पति के आशीष से खुल ना सके वो रखने का क्या फायदा? मुझे ये व्रत रखना ही होगा दाई माँ। व्रत आस्था और विश्वास से रखे जाते हैं, और अगर मन में विश्वास अटूट हो तो व्रत संपन्न करने से वो ही नहीं रोक सकता। आप चिंता मत कीजिए दाई माँ, चांद निकलने पर राधिका के पति ही उसका व्रत तोड़वाएंगे। तुम्हारे इस व्रत का कोई अर्थ नहीं होगा राधिका, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से सर्गी नहीं मिली। छोटी माँ, सर्गी इसलिए खाई जाती है ताकि दिन भर की भूख और प्यास सहन की जा सके। आप चिंता मत कीजिए, आपकी सर्गी खाए बिना राधिका दिन भर की भूख और प्यास सहन कर सकती है। राधिका का ही विश्वास टूटने ना दीजो काना। पता नहीं औरतें व्रत क्यों रखती है, उन्हें क्या लगता है व्रत रखने से उनकी पति की उम्र लंबी होगी? लगता है उस भूत ने तुम्हें भी पागल कर दिया, खुद से बातें कर रही हो और अब तो वो भूत भी व्रत रख रही है, तो राम जाने क्या होगा इस घर में। रखने तो व्रत, तोड़ेगा कौन?
ऊपर से उसने सरगी भी नहीं खाई है, कैसे रहेगी भूखी रात तक? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, वो भूत है, वो भूखी रह सकती है? फिर शुरू हो गई आप, प्लीज जाकर कुछ खाइए। ना बाबा ना, जब घर में ऐसे भूत हो ना तो व्रत और पूजा पाठ से रक्षा होती है, मैं तो नहीं खाऊंगी। ये घर में कोई भूत नहीं है, तुमने देखा नहीं मंदिर में खुद भगवान के चरणों में नेक रखा और वो गिर गया, ये सब कौन कर रहा है? दो तीन लोग मिलकर ये चाल चल रहे हैं, और आपको पता है कि ये चाल किसकी है? किसकी? रोहन की। रोहन की? वही ये नकली राधिका को इस घर में लेकर आया है। आप ही मुझे बताइए, उस दिन किसने आकर हमें कहा कि राधिका घर में कहीं नहीं है? रोहन। और फिर जब राधिका चली गई तो उसे ढूंढने कौन गया? रोहन। और जब राधिका वापस मिली तो उसके पीछे पीछे कौन आया? रोहन। पर रोहन क्यों करेगा ये सब? उसे मुझसे एक पुराना हिसाब सेटल करना है, मैंने उसे अपनी कॉटेज में किडनैप करके रखा था, बहुत टॉर्चर किया और वो ये बात अभी तक नहीं भूला। मतलब राधिका की इस हमशक्ल को रोहन लेके आया और वो चिट्ठी भी उसने बदली हम सबको परेशान करने के लिए, पूजा में से भी तभी ये भूत गायब नहीं हुई। लेकिन बरखा, आज तो राधिका की इस हमशक्ल ने व्रत रखा है, कहीं ये सब देखकर देव का दिल बदल गया तो क्या होगा? उसके दिल में राधिका के लिए फिर से प्यार जाग गया तो क्या करोगे तुम? देव के दिल में प्यार तब जागेगा ना जब धर्म जगह छोड़ेगा। मुझे पता है कि देव को उसके निर्णय पर टिके रखने के लिए किसका सहारा लेना है। दाऊ, मैंने आपको कहा ना आज मेरा उपवास। फिर तो तू गया बेटा, इस मनुष्य रूप में तुझे मनुष्य जितनी भूख लगेगी और देव तेरा उपवास तोड़वाएगा भी नहीं तो तू क्या करेगा? वो चमत्कार करके देव के हाथों राधिका का व्रत तोड़वाएगा? नहीं दाऊ, मुझे भ्रम उत्पन्न करके देव का हृदय परिवर्तन नहीं करना है। राधिका का प्रेम सच्चा है, पवित्र है, देव को अपना पति धर्म निभाना ही होगा। मैं मानता हूँ कि बरखा ने देव की आंखों पर पट्टी बांध रखी, परंतु राधिका के प्रेम का सच देव को अवश्य दिखाई देगा। देव अपने राजपुरोहित धर्म में उलझा रहेगा, बरखा के दिखाए रास्ते पर चलेगा तो राधिका का प्रेम कैसे समझेगा? दाऊ, समझेगा, अवश्य समझेगा। जब तक देव राधिका का उपवास नहीं तोड़वाएगा तब तक तू भूखा रहेगा। दाऊ, भक्त की भक्ति के आगे भगवान को विवश होना ही पड़ता है। अब ये तो आज रात का चांद ही बताएगा कि राधिका के प्रेम की जीत होगी या बरखा के धोखे की। हाँ, अगर भक्त ने मदद मांगी तो मुझे अवश्य करनी होगी। अब ये कौन सी लीला है कान्हा? क्या सोच रही हो? तुम्हारा व्रत तुम्हारे कान्हा तोड़वाएंगे? सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब इस ढोंग का कोई फायदा नहीं। देव मेरे साथ है, अब यहाँ आस लगाए बैठने का क्या फायदा? बेहतर यही होगा कि तुम वापस वही चली जाओ जहाँ से तुम आई। छोटी बहू देव, आप राधिका को लेकर परेशान हो? आज आपने जो किया वो बहुत मुश्किल था, ऐसे अपने भावनाओं को कुचलकर धर्म का साथ देना सबके बस की बात नहीं है। आपने वही किया जो एक राज पुरोहित को करना चाहिए था, ऐसा करके आज आपने केवल मेरी नजर में ही नहीं सबकी नजर में अपना सम्मान बढ़ा दिया है। कचौरी खाएंगे राज पुरोहित जी? नुक्कड़ की श्रीधर हलवाई की है, बहुत स्वादिष्ट है।
मुझे राधिका मिली थी, उससे मैंने पूछा था खाएगी क्या, उसने ना बोल दिया, कह रही थी मेरा व्रत है करवा चौथ का। राधिका ने व्रत रखा है? हाँ। मना करने के बावजूद? और ये तुम्हें पता था, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। ऐसी बातें बताकर मैं आपको और बेबस नहीं देखना चाहती थी। राधिका का क्या है, उसने तो बहुत सारी गलतियां की है, मुझे मारने तक की कोशिश की देव, उसे कुछ समझा के क्या फायदा। इसे भी एक इम्तिहान मान लीजिए, एक बार राधिका को उसकी गलती का एहसास हो जाए फिर मैं भी उसे क्षमा कर दूंगी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर अभी अभी हमें धर्म का साथ देना है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। अब आप ही बताइएगा ना, मैं आपकी इस भक्त राधिका का क्या करूं? जब भक्त भगवान से मदद मांगता है तो भगवान को उसकी मदद करनी ही होगी। देखती जा राधिका, मेरे नाटक की जीत हो रही है और तेरे विश्वास की हार। बरखा को पानी पिला दो। यहां बैठने से क्या होगा, क्या सोच रही हो, तुम्हारा व्रत तुम्हारे कान्हा तोड़वाएंगे? देव ने तो तोड़वाया नहीं, अब तुम्हारे ये ढोंग का कोई फायदा नहीं। अब तक तो कोई छोटा बच्चा भी ये समझ चुका होगा कि मेरा यहाँ क्या रुतबा है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। राधिका क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? बरखा सही कह रही है राधिका, जब मैंने तुम्हें मना किया था व्रत रखने के लिए तो फिर तुमने व्रत क्यों रखा? क्योंकि करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागन का धर्म होता है और इस व्रत को अपनी अंतिम सांस तक रखती है। राधिका ने तो अपना पत्नी धर्म 12 सालों से निभाया है और आगे भी निभाती आएगी। ये व्रत तभी संपूर्ण होगा जब चांद निकलने पर आप ये व्रत तोड़वाएंगे। तो अब क्या
अगले साल के चांद तक तुम भूखी रहोगी। चांद तो कब का निकल चुका है और सबका व्रत भी टूट चुका है। ये तुम क्या कह रही हो बरखा? ऐसे कैसे हो सकता है बरखा? अभी तो रात भी नहीं हुई है। चांद कब का निकल चुका है? मैंने देव के हाथों से ही अपना व्रत तोड़ा है। पर मैं तो अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारा व्रत कब तोड़ा? बड़ी माँ, मोहिनी दीदी, बड़ी माँ, मोहिनी दीदी, हम सब ने मिलकर अपना व्रत तोड़ा ना चांद को देखकर। क्या कह रही हो बरखा? तुमने व्रत खोलने से पहले ही फल खा लिया? भाई राम, बरखा चांद नहीं निकला अभी तक।